ये मिसबा उल हक और क्रिकेट कमेटी फैसला करेगी कि कोचेस का फ्यूचर क्या होगा। नहीं देखिए, मैं मेरी बात सुने, असल में सारा इशू ये है कि फैसले जो है ना ये वाले कोचिंग के, मैनेजर के या स्पोर्ट्स स्टाफ पाकिस्तान टीम के लगाना, ये एक्सक्लूसिवली राइट है चेयरमैन का। जी हाँ, पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सक्लूसिव राइट है, डिस्क्रिशन है उसकी। अब अगर चेयरमैन ये कह दें कि भाई फलाना फोरम फैसला करेगा, फलाना करेगा, फैसला तो उसने नहीं करना फोरम में। फोरम तो हो सकता है कोई रिकमेंडेशन दे दे, रिकमेंडेशन मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, सारा पाकिस्तान दे सकता है, वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप अपफ्रंट आके सामने पाकिस्तान के मुफाद में मेरिट बेस्ड फैसला करें, और मेरिट बेस्ड फैसला यह है क्योंकि आप चेयरमैन हैं तो आपने फैसला करना है। वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के दो बड़े इवेंट एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। एशिया कप आपको पता है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और उसमें सारी एशिया की मेजर टीमें हैं, और जो वर्ल्ड कप है ये तो ग्लोबल इवेंट है। आपकी एक टीम सेट हो गई है, उसके साथ एक स्पोर्ट्स स्टाफ सेट हो गया है, जो भी बैडबर्न हो गए या मिकी आर्थर हो गए, जो भी अरेंजमेंट हुई है, तो आपको चाहिए कि उसको कंटिन्यू करें। देखें, इस वक्त उस सिस्टम को छेड़ना जो है ये बड़ा तबाहकुन साबित होगा, और नई टीम या नए लोगों का आके इन लड़कों के साथ जेल करना, फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल, फिर ओवरऑल सारा सिस्टम को ठीक करना, ये एक नए आदमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि टाइम बड़ा कम है। आपको पता है सितंबर में एशिया कप है और अक्टूबर में फिर वर्ल्ड कप है। इससे जरूरत इस चीज की थी कि आप कंटिन्यूटी करें, एक दूसरी बात है स्टेबिलिटी दें, तीसरी बात यह है कि सिस्टम को नहीं छेड़ें बल्कि अपने कप्तान को, अपने कोचिज को आप सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, ताकि ये देखें ना, ये कोई मसला किसी रीजन की टीम, किसी डिस्ट्रिक्ट या मोहल्ले की टीम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान में जाके इंटरनेशनल इवेंट खेलने हैं, वहां पे ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर आनी है, पाकिस्तान का नाम है उसमें इन्वॉल्व। ये मेरी जात की बात या कोई जगह अशरफ की या किसी की जात की बात नहीं है, इसलिए आप फैसला करें मेरिट पे करें। और दूसरी बात ये है कि ये देख के क्वालिटेटिव फैसला कि भाई क्या होना चाहिए। आप क्योंकि वो लग चुके हैं सारे के सारे, मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न हो गया, पोटेक हो गया, आप जिसका मॉर्नी मार्कल कह लें, या दूसरे क्लिफी था, या अपना ड्रैकस था, या दूसरे जितने भी लोग हैं और पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, तो वो सारा का सारा एक सेट बन चुका है। उसमें कोच, आपको पता है मैनेजर रियान भी थे, सारे लोग शामिल हैं। आप इसकी कंटिन्यूटी करें, इसको कॉन्फिडेंस दें और फिर इसको सपोर्ट करें कि जाएं भाई अपना इंडिया में जाएं, श्रीलंका में जाएं, पाकिस्तान में खेलें, आप पाकिस्तान के लिए कप लेके आए। ये तो है पॉलिसी। अब ये कहना कि जी मैं तो चलाने के हवाले कर रहा हूं, ठीक है, उनके अपने मिसबा का तो आपको पता है कि मिसबा को रिप्लेस किसने किया था, मिकी आर्थर से किया था जब वो आए थे। उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ी सी वेवर थी, तो इसलिए लोगों के दिलों में तो अपनी बातें होती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट आदमी के दिल में कोई बात नहीं होनी चाहिए जब पाकिस्तान का मुफाद आए। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट फर्स्ट, उसकी खेलें, उसके कोई चीज भी हो वो फर्स्ट है। तो आप पाकिस्तान के मुफाद को देखें।